अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक को लेकर हमारी वीडियोस का सिलसिला जारी है, तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं, बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आया हूं आपके लिए। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे सवैयाँ, जिसको फ्राई वर्मा सिली भी बोलते हैं, फेनियाँ भी बोलते हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं, कमर्शियल तरीके से किस तरह से बनती हैं, और कमर्शियल रेसिपी को कम करके आप अपने घर में किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ आपको बताऊं। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं कि ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने घी को कर लेना है गरम, और घी आपका दानेदार होना चाहिए, मेल्टेड घी नहीं होना चाहिए। अगर जो घी के अंदर दाना नहीं होगा तो याद रखिएगा, फेनी आपकी कभी भी सही नहीं बनेगी। तो घी को अच्छे तरीके से थोड़ा सा तेज़ गरम करेंगे, इतना गरम कि हमारी उंगली भी ये घी बर्दाश्त ना कर सके, काफ़ी ज़्यादा गरम। तो घी हमारा गरम हो चुका है, अब इसको एक थाल के अंदर निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए। तो इसको ठंडा होने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा घी को। तो घी दोस्तों हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे एक चम्मच मैदे का, बड़ा चम्मच है, और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर का। अब हाथ की मदद से इसके अंदर जो दाना है उसको ख़त्म करेंगे, यानी कि इसको हम मक्खन की शक्ल में लेके आएंगे। तो 15 से 20 मिनट इसके अंदर इसी तरीके से हाथ चलाएँगे। तो 15 मिनट हाथ लगाने के बाद घी हमारा जमना स्टार्ट हो चुका है, अब इसको छोड़ देना है एक दिन के लिए। चलें जी, एक दिन दोस्तों हमने घी जमाने पे लगाया था, घी हमारा सेट हो चुका है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी डो की तैयारी करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने नमक लिया और 1 किलो मैंने लिया है मैदा, नॉर्मली मैदा है, और नॉर्मल ही पानी के साथ इसको गूंद लेंगे। अगर जो आप पानी नाप करके लेंगे तो 400 से लेके 450 ml पानी 1 किलो मैदे के अंदर चला जाता है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो मैदे को आपने एक अच्छी सी इसकी डो बनानी है, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना डो के अंदर चिपक होनी चाहिए, एक लचकदार सी इसकी डो तैयार करेंगे अच्छे तरीके से इसको गूंद कर। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें मैदा गूंदने में, बस गुठलियाँ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, काफ़ी मेहनत आपने करनी है मैदा गूंदने में। जितना अच्छे तरीके से दोस्तों आप मैदे को गूंदेंगे, उतने ही फेनियाँ आपकी अच्छी बनेंगी, चमकदार भी बनेंगी और बारीक भी बनेंगी। तो मैदा हमारा माशाल्लाह से सेट हो चुका है, मगर अभी ये सही तरीके से गूंदा नहीं है, इसको और गूंदेंगे, थोड़ी सी मेहनत इसके ऊपर और करनी है। तो 5 से 7 मिनट मैदे को गूंद लिया है, अब इसके ऊपर ऑयल लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए इसको रख देते हैं, कवर करके स्टे देते हैं ताकि ये सेट हो और भी। तो 10 मिनट दोस्तों मैंने मैदे को कवर करके रखा था, अब ये सेट हो चुका है, थोड़ा सा और गूंद के इसके 4 पेड़े मैंने बनाने हैं, 1 किलो मैदा है तो 4 पेड़े इसके बिल्कुल ठीक रहेंगे। एक दफ़ा इसको पलट लेते हैं, थोड़ा सा और इसको मुट्ठी की मदद से गूंद लेंगे थोड़ा सा, 1 से 2 मिनट, ताकि जितना अच्छा दोस्तों मैदा आप गूंदेंगे उतनी ही अच्छी आपकी फेनी बनेगी। तो सबसे पहले इसके पेड़े बनाएंगे इस तरह से, बस पेड़ों के अंदर दोस्तों जोड़ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से आप इसके पेड़े बना लें, और नीचे से इसका जो मुँह है वो अच्छी तरीके से आपने बंद कर देना है। इस तरह से इसके पेड़े बनाएं, कोशिश करें कि पेड़ा थोड़ा सा सख्त सा बने, जानदार सा बने। तो जितना अच्छा पेड़ा आप बनाएंगे उतनी ही फेनी आपकी आगे चल के अच्छी बनेगी। तो पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इसके ऊपर अच्छी तरीके से ऑयल अप्लाई करते हैं, कुकिंग ऑयल, ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। और उसके बाद इसके बीच में हमने होल करना है फिंगर की मदद से। तो इस तरह से एक पेड़े को उठाएंगे और बीच में बिल्कुल सेंटर में दोस्तों आपने इसके सुराख करना है, साइडों में सुराख नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में, और इस तरह करके इसको रखेंगे तमाम पेड़ों को इसी तरीके से, अच्छी तरीके से इसके बीच में सुराख करके थोड़ा सा बड़ा सा इसको कर लेते हैं इसी साइज़ का। इससे ना ज़्यादा आपने बड़ा रखना है ना ज़्यादा छोटा रखना है, बस वीडियो को दोस्तों आपने गौर से देखना है, पूरी वीडियो को देखना है, जब भी इस रेसिपी की आपको समझ आएगी। तो तमाम पेड़ों के बीच में मैंने होल कर लिए हैं, अब कुकिंग ऑयल इसके ऊपर लगाएँगे और थोड़ी सी देर के लिए इसको स्ट्रे पर रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो स्ट्रे दोस्तों इसको देना लाजमी है।
तो दूसरी साइड पर ये जो हमने घी सेट किया था, जमाया था, ये भी सेट हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, एक दिन इसको लगा है घी को सेट होने में, जमने में, तो इसको थोड़ा सा मसल के इसको साइड पे करते हैं। ये बिल्कुल मक्खन की शक्ल में आ गया है और दाना इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरी साइड पर हमारे पेड़ों को भी तकरीबन 5 मिनट मैंने स्टे दिया था। अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, पहले हल्का सा मैं हाथ को घी लगा लूँ या ऑयल आप लगा सकते हैं ताकि हाथों को चिपके ना, और बिल्कुल आसानी से आप इस तरीके से इसको खींचें, थोड़ा सा इसको बड़ा करें। बिल्कुल ये काम दोस्तों आपने आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी में नहीं करना, बिल्कुल आराम आराम से हल्के हाथ से करना है। बस ये टूटना नहीं चाहिए, इतना आपने ज़ोर इसके अंदर लगाना है और इसको डबल करके रख देंगे। तो चारों के चारों पेड़ों को बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से गुजारेंगे। तो याद रखिएगा, ये पहला स्टेप है, इसके 3 स्टेप आएंगे तो इंशाल्लाह इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के लच्छे बनेंगे। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने घी को अप्लाई करना है, जो घी जिसको हमने मसल लिया था ताकि थोड़ा नरम हो जाए। अच्छी तरीके से इसके ऊपर घी लगाएंगे, कहीं से भी बस ये रहना नहीं चाहिए, खुश्क ना हो। और इस तरह से इसको लपेट कर साइड पर रखेंगे और दूसरा जो पेड़ा है उसको उठाएंगे, उसके ऊपर भी इसी तरीके से घी को अप्लाई करेंगे और चारों के चारों पेड़ों को इसी तरीके से घी अप्लाई कर देना है। तो घी अप्लाई करने के बाद दोस्तों इनको हमने 15 मिनट के लिए स्टे देंगे चारों के चारों पेड़ों को। तो 15 मिनट मैंने इसको रखा था फर्स्ट टाइम घी लगाने के बाद। अब इसको 2 मरतबा बल हमने देना है, बिल्कुल आसान तरीके से। पहले इसको ऐसे लंबा करें और उसके बाद इसको 2 मरतबा बल देंगे। और अब ये जो 4 पेड़े हैं चारों को बिल्कुल सेम एक ही तरह से 2-2 बल इनको देंगे, और जिसके ऊपर से घी उतर जाएगा उसके ऊपर आपने घी और अप्लाई करना है। देखें बिल्कुल आसान तरीके से, बस आपने कोशिश ये करनी है कि इसका कोई भी तार टूटे ना, बस इस चीज़ से आपने इनको बचाना है। और दूसरा दोस्तों, जब आपने फेनियाँ बनानी हैं तो ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा ना हो, टेम्परेचर सेट होना चाहिए। तो गर्मी वाली जगह पे घी मेल्ट हो जाएगा और फेनियाँ आपकी सही नहीं बनेंगी, तो ये बात याद रखिएगा। तो चारों पेड़ों को दोबारा से बल देकर इसको फिर दोबारा से हमें स्टे देना पड़ेगा तकरीबन 15 मिनट का, 10 से 15 मिनट। तो दोबारा से मैंने इसको स्टे दिया है 15 मिनट। अब दोस्तों इसको हमने बल देने हैं, वो 3 देने हैं, तो इसके लच्छे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो सेम जिस तरह से कि पहले हमने 2 बल दिए थे, अब इसको 3 मरतबा इसको बल देंगे और जो घी इसके अंदर से निकल जाएगा वो घी दोबारा से हाथ की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। बिल्कुल आराम से इसको उठाएं, हल्का सा घी इसके ऊपर लगा दें, जिसके ऊपर कम आपको लगे कि घी इसका निकल गया है या घी कम है। और ये 2 मरतबा, और दोबारा से इसको खींच के इस तरह से 3 मरतबा इसके बल कम्प्लीट हो जाएंगे। तो चारों के चारों पेड़ों को इसी तरीके से दोबारा से हमने बल दे देने हैं 3 के 3, और 10 से 15 मिनट दोबारा से इसको स्टे देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो फेनी बनाने के लिए दोस्तों मैदे को, पेड़ों को स्टे देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो आप इसको जल्दी जल्दी बनाएंगे तो कभी भी आपकी फेनी सही नहीं बनेगी। तो दोबारा से इसको मैंने 3 बल देने के बाद 15 से 20 मिनट दोबारा से इसको रेस्ट दिया है। अब इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े किस तरीके से बनाएंगे, एक पेड़ आप उठाएं, इसको लंबा करें बिल्कुल पतला सा, और इसको हाथ पे लपेट के इस तरह से एक साइड से इसको तोड़ दें, और इस तरीके से आपने हाथ पे लपेट के बिल्कुल आराम से इसका पेड़ा बना लेना है, और दूसरी साइड से इसको तोड़ के दोनों जो बल हों उसको एक ही जगह पर इकट्ठा कर देना है। इस तरीके से आप बना लें। थोड़ा सा टेक्निकल काम है, बस 1 से 2 मरतबा दोस्तों अगर जो आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा क्लोज़ कर दे, तो थोड़ा सा क्लोज़ करके इस तरीके से आप इसका पेड़ा बना सकते हैं। और पेड़े बनाने के बाद भी दोस्तों आपने डायरेक्ट इसको फ्राई नहीं करना, 20-25 मिनट दोबारा से इसको रेस्ट देना है ताकि पेड़े भी सेट हो जाएं। अगर जो आप डायरेक्टली इसको फ्राई करेंगे तो ये कभी भी आपकी फेनियाँ सही नहीं बनेंगी। तो पेड़े तमाम के तमाम मैंने रेडी कर दिए हैं, अब दोबारा से इसको स्टे देते हैं। इतने अपना घी गरम करेंगे, जब हमारा घी गरम हो जाए तो ये घी देखें मैंने रख दिया है चूल्हे पे, हल्की हल्की सी आंच इसके नीचे चला दी है, और तकरीबन 20 से 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको फ्राई किस तरीके से करना है, ये 2 से 3 पेड़े मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो एक बात यह है दोस्तों, आपने इसको बेलन की मदद से नहीं बेलना, हाथ से ही इसको बड़ा करना है, इसकी रोटी की तरह बेलना है हाथ से ही। तो बेलन से कभी भी इसके लच्छे नहीं बनेंगे, ये बात याद रखिएगा।
और इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे, तेज़ टेम्परेचर पर आपने इसको फ्राई नहीं करना। अगर जो आप इसको ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर पे फ्राई करते हैं तो ये पापड़ बन जाएंगे, इसके जो तार हैं वो खुलेंगे नहीं और ये जुड़ सी जाएगी। तो मीडियम आंच होनी चाहिए इसकी फ्राई करने के लिए और टेम्परेचर भी मीडियम सा हो कि ज़्यादा ऑयल के अंदर बबल्स ना आएँ। और इसको फ्राई आप घी में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसी तरीके से इनको फ्राई करते रहेंगे। तो फ्राई करते वक्त दोस्तों आपने इनको डबल करना होता है। अगर जो आप इसको डबल करेंगे तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगी, इनका कलर भी अच्छा आएगा। डबल किस तरह से करना है ये भी मैं आके चल के आपको बता देता हूँ। और जब भी आप एक फेनी ताज़ी इसके अंदर डालेंगे तो उसको पलटना ज़रूर है, जिस तरह से कि मैं इसको पलट रहा हूँ। पलटने से इसके जो तार हैं वो मुकम्मल खुल जाएंगे। और ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है, इससे आपकी जो फेनियाँ हैं, सवैयाँ हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल बनेंगी। और इस तरीके से आप इनको डबल कर दें। डबल करने से एक तो आपकी कढ़ाई के अंदर जगह भी बनेगी और दूसरा ये फ्राई भी जल्दी हो जाएंगी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त किस्म के इनके तार खुलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, एक एक तार अलग अलग है। तो इसी तरीके से मीडियम आंच पे इनको फ्राई कर लेते हैं। तो एक पीस मैं अब निकाल देता हूँ क्योंकि ये हो चुका है, नीचे से इसका कलर सेट हो चुका है। और माशाल्लाह से आप इसके तार देखेंगे कितने बारीक बने हैं, ज़बरदस्त बने हैं। तो इसको निकालना भी आपने स्ट्रेनर पर है ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा बाहर निकल आए। तो माशाल्लाह से तमाम की तमाम फेनी मैंने फ्राई कर ली है और कलर और इसके तार आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। थोड़ा जूम करके भी मेरा कैमरामैन अगर जो आपको दिखा सके तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सवैयाँ फेनियाँ तैयार हुई हैं। बस प्यारे दोस्तों फेनियाँ बनाने के लिए एक ही ख़ास टिप है, एक ही ख़ास चीज़ है कि अगर जो फेनियों का आप घी सही बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी फेनियाँ सही बनेंगी। बस घी इसका मेल्टेड नहीं होना चाहिए, जमा हुआ घी होना चाहिए। तो बेहतरीन फेनियाँ आप अपने घर में भी बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालदेन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।